अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट वीडियो का जो कंटिन्यू है वो ये है वही फिजिक्स फेडरल बोर्ड न्यूमेरिकल्स हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं 4.9 और 4.10 के न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में करेंगे. सो हमें क्या गिवन है इसमें, मैंने गिवन पहले से लिख लिया था कि और बाय यूजिंग फार्मूला सेम फॉर टाइम कंज्यूमिंग से बचे. अ नट हैज़ बी टाइटन बाय द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन. उन्होंने कहा एक स्पैनर है हमारे पास और नट है, मैं उसको टाइट कर रहा हूँ वहाँ से, और टाइट करते वक्त जब मैं फोर्स लगाता हूँ वो कितनी लगाता हूँ 200 न्यूटन के लगाता हूँ, और जो मोमेंट आर्म है यानी कि नट से और वो जो इसका डिस्टेंस है जहाँ से फोर्स लग रही है वो है 0.1 मीटर. उन्होंने बताए कि मैं अगर मैं 200 न्यूटन की जगह 150 न्यूटन की फोर्स लगाऊँगा, पहले देखिए उसने 200 न्यूटन की लगाई और मोमेंट आर्म क्या रखा 0.1 मीटर रखा, तो उसने उसको नट को कस लिया. उन्होंने कहा अगर मैं फोर्स लगाता हूँ उससे कम 150 न्यूटन की, फिर मुझे बताओ कि मुझे मैं कितना मोमेंट आर्म रखूँ कि दोनों का काम जो वर्क वो बराबर टार्क बराबर हो जाए. तो हमें पता है T1 दोनों, उसने कहा बराबर होना चाहिए T1 T2 एफ क्रॉस एल, हमें पता है टी क्या होता है एफ क्रॉस एल, ये एफ टू क्रॉस एल, यहाँ से ये एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ तक क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. तो आगे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, एफ वन की वैल्यू है 200, एल वन की वैल्यू है 0.1 और इसकी है 150, जो हम जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एल टू की वैल्यू आ जाएगी 13.33 सेंटीमीटर. एक मिनट, हाँ जी 13.33 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 4.10 बिल्कुल इसके अपोजिट है यानी कि वाइस वर्सा. सबसे पहले हम यानी कि मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल लिखने का तरीका, पहले आपने गिवन लिखना है. जस्ट जिस बच्चे को गिवन पिक करना आ गया ना कि गिवन क्या है तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता सारा. अ ब्लॉक हैज मास ऑफ 10 kg एंड सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 cm एंड द लेंथ ऑफ अ बार यानी कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म बार 1 cm लॉन्ग. यानी कि मैस क्या गिवन है जी, 10 kg है मोमेंट आर्म क्या गिवन है जी 20 cm और उस बार की अपनी लेंथ क्या है जी 1 मीटर. इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.2 हो जाएगा मीटर में. नेक्स्ट उसने कहा है जी व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, यानी कि फोर्स फाइंड करनी है हमने. फोर्स रिक्वायर्ड और अगर मैं मोमेंट आर्म रखूंगा 0.5 का, तो फाइंड हमने क्या करना है, सॉरी अब फार्मूला देखें जी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें पता है टॉर्क बराबर होते हैं, तो T1 इज इक्वल टू T2, ये होता है जी F क्रॉस L, ये भी क्या है F क्रॉस L, यहाँ पे 1, 1, 2, 2 यानी उसकी बात हो रही है. F1 क्या है हमारे पास, फोर्स क्या होता है वेट होता है, वेट mg के बराबर होता है, तो यहाँ पे वेट लिख सकता हूँ मैं और वेट की जगह मैं mg भी लिख सकता हूँ मैं, तो m क्या है मेरे पास 10 आ गया, g क्या आ गया वो भी 10 आ गया, और L1 क्या आ गया मेरे पास 0.2 आ गया. 0.2 F2 हमें फाइंड करना है और L2 क्या है, या L2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5. जो हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 40 न्यूटन. सो बच्चों न्यूमेरिकल्स डन.
काफ़ी ईजी न्यूमेरिकल से ये, इस वजह से मैं थोड़ा सा क्विक क्विक कहा कि बच्चों का टाइम ज़्यादा ना हो. सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक, रिलेटेड टू द चैप्टर, आपने लाजमी मेंशन करने हैं, बताने हैं. देखिए आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल न्यूमेरिकल्स करवाने में या इस तरह के क्वेश्चन समझ नहीं, मज़ा नहीं आता. आप मेरे पीछे वाले लेक्चर्स देखेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करेंगे, फिर आपको समझ जाए, देन गो फॉर द न्यूमेरिकल्स वीडियो. दैट्स द प्रॉपर एंड द राइट वे. और न्यूमेरिकल यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द न्यूमेरिकल्स. लेकिन गिवन ये क्विक मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में देखा होगा, मैंने स्पेशल हर न्यूमेरिकल के शुरू में बताया कि हाउ टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल. तो आपने जो गिवन लिखना है, उसके बाद टू फाइंड क्या करना है बाय यूजिंग फार्मूला क्या करना है, फिर आपने साथ में उसका यूनिट का ख्याल रखना है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप हैव टू फोकस ऑन. सो बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. टिल देन अल्लाह हाफिज़.